हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने थंबनेल मेकर की एप्लीकेशन में जब थंबनेल बनाएं तो उस पर एक वाटरमार्क रह जाता है, तो इसको आप कैसे रिमूव करें। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको एप्लीकेशन परचेज़ करना पड़ती है या आपको मंथली पे करना पड़ता है। तो जी गाइस, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप बिल्कुल फ्री में वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हैं। तो जी, मैंने अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और वाटरमार्क बनाने के लिए हमने अपने जो भी पिक्चर सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लिया है। पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे जो भी आप एडिटिंग करना चाहें अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग करें, तो मैंने फ़िलहाल यही किया है, तो उसको मैंने एडिट करके क्लिक कर दिया है। तो जी गाइस, जैसे ही हमारी ये पिक्चर सामने आती है तो आप देखेंगे कि इस पे वाटर मार्क का लोगो शो हो गया है। तो आप इस वाटर मार्क को कैसे रिमूव करें, जब आप इस पे रिमूव करने के लिए क्लिक करते हैं तो ये आपको बोलता है कि आप इस एप्लीकेशन को परचेज़ करें या 7 डे फ्री चलाएं, बाद में आप इसको परचेज़ करें। तो हम इसको परचेज़ नहीं करेंगे बल्कि फ्री में इसको वाटरमार्क को रिमूव करेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो जी गाइस, देखें, मैंने वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए उस पर क्लिक किया तो वो परचेजिंग के लिए बोल रहा है, लेकिन हम परचेजिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इसको बिल्कुल पिक्चर को सेव कर लेंगे। पिक्चर को सेव करने के बाद हम इसको ख़त्म कर देंगे, अपने मेन मेन्यू में जाएंगे। तो जी गाइस, आप इसको मेन मेन्यू में जाने के बाद आप अपने मोबाइल की सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे। तो जी गाइस, मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लिया है। तो उसके बाद आप जो थोड़ा स्वाइप करने के बाद जो ऐप्स का एक ऑप्शन है, ऐप्स परमिशन डिफ़ॉल्ट ऐप्स, जो ऐप्स का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो ऐप्स पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन होगा, जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है कि ऐप्स का जो नया इंटरफेस ओपन हुआ है, उसके बाद सबसे पहले ऐप्स लिखा है उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आपके सामने आपके मोबाइल की सारी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी, तो जी गाइस, मेरी इस मोबाइल की सारी एप्लीकेशन खुल गई हैं। तो यहाँ मैं अपना थंबनेल मेकर को सिलेक्ट करूँगा। तो थंबनेल मेकर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप स्टोरेज पे क्लिक करें और अपने जो स्टोरेज का क्लियर डाटा है उस सबको क्लियर कर दें, यानी कि डिलीट कर दें। तो थंबनेल का सारा डाटा मैंने क्लियर कर दिया है, अब मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, यानी कि ऑल टैब को क्लोज़ कर दूँगा। ऑल टैब्स को क्लोज़ करने के बाद मैं फिर अपनी थंबनेल की एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। और जितनी भी परमिशन मांगे उसको अलाउ कर दें। तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल गया है और हम अब फिर से थंबनेल मेकर बनाएंगे। तो कैमरा पर क्लिक करें। तो कैमरा पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी पिक्चर या वीडियो पे अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं उसको अपनी गैलरी में से सिलेक्ट कर लें। तो मैं फ़िलहाल कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूं। तो जी गाइस, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। तो इस पे आप जो भी अपनी एडिटिंग करना चाहें, इस पे कुछ लिखना चाहें, तो मैं फ़िलहाल इस पे यही लिख देता हूँ को हाउ टू रिमूव थंबनेल मेकर या हाउ टू रिमूव वाटरमार्क। तो जी गाइस, आपने जो भी लिखना है आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। एडिटिंग करें, जैसे भी आप अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं आप उसको बनाएं। तो थंबनेल बनाने के बाद आप अपनी पिक्चर को ओके कर दें, यानी कि सेव कर दें बनाने के बाद। तो जैसे ही आप अपनी पिक्चर को सेव करेंगे तो आपके सामने फिर से वाटरमार्क शो हो जाएगा। तो जी गाइस, मैंने अपना थंबनेल बना लिया है और इसको जब मैं जैसे ही सेव करूंगा तो इसके सामने मेरा जो वाटरमार्क का शो हो रहा है उसको मैं कैसे रिमूव करूं, ये आपको बताऊंगा। तो जी, मैंने पिक्चर को सेव किया है, फिर भी ये वाटरमार्क शो हो रहा है। तो इस वाटरमार्क को कैसे रिमूव करें, इस पर क्लिक करने के बाद आप गो टू रिव्यू पे क्लिक करें।
जैसे ही आप गो टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्ले स्टोर में ले जाएगा जहाँ से आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है और आपको एप्लीकेशन पे ले जाएगा। तो सामने लिखा है कि रेट दिस ऐप, तो आप इस एप्लीकेशन को फुल रेटिंग दें, जैसे कि आप इसको 5 स्टार दें। 5 स्टार देने के बाद आप इस पर कोई कॉमेंट्स कर दें, जैसा कि इट्स बेस्ट ऐप फॉर एडिटिंग, तो मैं लिखूँगा गुड ऐप्स फॉर एडिटिंग। जैसे ही आप अपनी मर्ज़ी का इस पर कमेंट लिखें, आप इसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट्स लिखें, जैसे कि गुड ऐप फॉर एडिटिंग। तो जी गाइस, मैंने लिख दिया है गुड ऐप्स फॉर एडिटिंग। तो इसके बाद मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। इसको जैसे मैंने इसको पोस्ट किया, उसके बाद आप इसको डन कर दें। डन करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करें फिर से। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने जो थंबनेल बनाया था उस पर आप देख सकते हैं कि अभी वाटरमार्क नहीं है। तो जी गाइस, इस तरह से आप अपने थंबनेल का वाटरमार्क है जो उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इस और इसके बाद आप जब भी अपना कोई भी थंबनेल बनाएंगे, जितनी बार भी बनाएंगे, तो उस पर आपको वाटरमार्क शो नहीं होगा। तो अभी आप हम एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें हम एक और थंबनेल बनाते हैं जिस पर आपको हम वाटरमार्क शो किया हुआ दिखाएंगे कि शो होता है या नहीं। तो जी, मैं थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद कैमरा की गैलरी पे। तो जी गाइस, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो ऐसे ही आप जितने भी थंबनेल बनाएंगे, आपको वाटरमार्क शो नहीं होगा। तो चलो, हम एक और वीडियो बनाते हैं, इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं। तो थंबनेल पे क्लिक करें, उसके बाद आप अपनी गैलरी पे क्लिक करें, जिस वीडियो पे भी है या पिक्चर पे भी अपना आप थंबनेल बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, तो आपने इस पे जो भी एडिटिंग करनी है अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग करें। तो मैं फ़िलहाल इस पे कोई एडिटिंग नहीं करता, इसको ऐसे ही सेव कर देता हूँ। तो जी गाइस, एड्स के बाद आप देख सकेंगे कि जो मैंने थंबनेल बनाया है उस पे कोई वाटरमार्क शो नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।